स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए. एंटोनियो कोस्टा, बी. इमैनुएल मैक्रोन, सी. पेड्रो सांचेज, डी. एंजेला मर्केल। आंसर ए. एंटोनियो कोस्टा। एक्सप्लेनेशन: पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को 28 जून 2024 को ब्रसल्स, बेल्जियम में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वह 1 दिसंबर 2024 को चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न। टेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ए. सलमान रुश्दी, बी. अरुंधति रॉय, सी. झुम्पा लाहिरी, डी. किरण देसाई। आंसर बी. अरुंधति रॉय। एक्सप्लेनेशन: बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय ने 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार जीता। अरुंधति रॉय को उनके अधिक और अटल लेखन के लिए 2024 का पेन पिंटर साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कहां पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? ए. वाराणसी, बी. गोरखपुर, सी. अयोध्या, डी. इलाहाबाद। आंसर सी. अयोध्या। एक्सप्लेनेशन: उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा संस के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पर्यटन विभाग 90 साल के पट्टे पर 1 रुपए की टोकन राशि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के लिए भूमि उपलब्ध कराएगा। ये संग्रहालय भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के इतिहास और वास्तुकला को प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. विनय मोहन क्वात्रा, बी. रुचिरा कम्बोज, सी. एस जयशंकर, डी. विक्रम मिश्री। आंसर डी. विक्रम मिश्री। एक्सप्लेनेशन: भारत सरकार ने विक्रम मिश्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मिश्री 15 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। वह चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। मिश्री विदेश सचिव बनने से पहले डिप्टी एनएसए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अगला प्रश्न। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीता। इस टीम के कप्तान कौन थे? ए. रोहित शर्मा, बी. विराट कोहली, सी. हार्दिक पांड्या, डी. रविंद्र जडेजा। आंसर ए. रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन: भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीत लिया है। बारबाडोस में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बना सकी। इस जीत के साथ भारत ने 11 साल के आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई के द्वारा कितनी प्राइज मनी देने की घोषणा की गई है? ए. 100 करोड़, बी. 125 करोड़, सी. 150 करोड़, डी. 200 करोड़। आंसर बी. 125 करोड़। एक्सप्लेनेशन: 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम पर बीसीसीआई ने पैसों की बारिश कर दी है। साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराने वाली भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। बोर्ड के सचिव जय शाह ने 30 जून को इसकी घोषणा की। इससे पहले धोनी की कप्तानी में भारत ने जब 2007 में दक्षिण अफ्रीका में पहला टी20 विश्व कप जीता था और फिर उन्हीं की कप्तानी में 2011 का वनडे वर्ल्ड चैंपियन बना था, तब हर खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपए कैश प्राइज दिए थे। अगला प्रश्न। हत्या की धारा 302 के पतले अब नए आपराधिक कानून में कौन सी धारा लगेंगे? ए. धारा 63, बी. धारा 101, सी. धारा 109, डी. धारा 189। आंसर बी. धारा 101। एक्सप्लेनेशन: 1 जुलाई से देश में कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया। 3 मुख्य आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गए हैं। नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी, सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग है। अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? ए. दक्षिण कोरिया, बी. चीन, सी. फ्रांस, डी. जापान।
आंसर डी जापान। एक्सप्लेनेशन, शोधकर्ताओं ने हाल ही में मिनामी टोरिशिमा द्वीप के समुद्री तल पर इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का पता लगाया है। मिनामी टोरिशिमा द्वीप, जिसे मार्कस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक जापानी द्वीप है। अगला हाल ही में कौन 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई है? ए मेघना अहलावत, बी डॉक्टर उषा ठाकुर, सी नशीरा शर्मा, डी ममता कालिया। आंसर बी डॉक्टर उषा ठाकुर। एक्सप्लेनेशन, उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया है और हिंदी भाषा को मजबूत किया है। अगला प्रश्न, टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? ए विराट कोहली, बी डेविड वॉर्नर, सी रोहित शर्मा, डी क्रिस गेल। आंसर सी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और भारत के रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड साझा करते हैं। रोहित शर्मा का टी20 इंटरनेशनल करियर रिकॉर्ड 159 मैचों में 4231 रन 5 शतकों के साथ प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। 4 जुलाई 2024 को संसदीय चुनाव के बाद ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? ए जेरेमी कॉर्बिन, बी कीर स्टार्मर, सी बोरिस जॉनसन, डी ऋषि सुनक। आंसर बी कीर स्टार्मर। एक्सप्लेनेशन, ब्रिटेन में शुक्रवार 5 जुलाई को सत्ता बदल गई। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद लेबर पार्टी से चुनाव हार गई। इसके कुछ घंटे बाद भारतवंशी ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेबर पार्टी के 61 साल के कीर स्टार्मर देश के 58वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। पार्टी ने कुल 650 सीटों में से 412 पर जीत दर्ज की है। उधर कंजर्वेटिव 120 सीटों पर सिमट गई। ये कंजर्वेटिव पार्टी की पिछले 200 सालों में सबसे बड़ी हार है। अगला प्रश्न, 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? ए रघुबर दास, बी चंपई सोरेन, सीसीपी राधाकृष्णन, डी हेमंत सोरेन। आंसर डी हेमंत सोरेन। एक्सप्लेनेशन, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई 2024 को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्य की राजधानी रांची में स्थित राजभवन में एक समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने 28 जून 2024 को हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी, जिसके बाद उन्हें फिर से मुख्यमंत्री चुना गया। अगला प्रश्न, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? ए 92 दिन, बी 178 दिन, सी 365 दिन, डी 730 दिन। आंसर बी 178 दिन। एक्सप्लेनेशन, आदित्य L1 मिशन एक भारतीय सौर वेधशाला है जो लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर स्थित है। इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्रिआयामी होलोग्राम तकनीक शामिल की? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी जापान, डी जर्मनी। आंसर सी जापान। एक्सप्लेनेशन, 3 जुलाई 2024 को जापान ने 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के नए बैंकनोट जारी करना शुरू किया। नए बैंकनोटों में जालसाजी से निपटने के लिए त्रिआयामी होलोग्राम तकनीक की सुविधा है, जो किसी भी देश की मुद्रा पर इस तरह का पहला उपयोग है। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में किस सूचकांक ने पहली बार 80,000 से ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया? ए सेंसेक्स, बी निफ्टी IT, सी निफ्टी 50, डी निफ्टी फॉर्मा। आंसर ए सेंसेक्स। एक्सप्लेनेशन, 4 जुलाई 2024 को भारत के बेंचमार्क सेंसेक्स ने पहली बार 80,000 अंक के ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। सेंसेक्स, जिसे S&P/BSE सेंसेक्स के रूप में भी जाना जाता है, भारत का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा किस शहर में आयोजित की जाती है? ए वाराणसी, बी पुरी, सी ऋषिकेश,
डी हरिद्वार। आंसर बी पुरी। एक्सप्लेनेशन, विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 7 जुलाई रविवार से ओडिशा के पुरी में शुरू हो गई है। ये यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र संत साल में एक बार प्रसिद्ध गुंडिचा माता के मंदिर में जाते हैं। इस पवित्र रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बहन और भाई संत पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है, फिर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि पर इसका समापन होता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया जाएगा? ए 23 जुलाई, बी 24 जुलाई, सी 25 जुलाई, डी 26 जुलाई। आंसर ए 23 जुलाई। एक्सप्लेनेशन, 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब सबकी निगाहें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर टिकी हुई है। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेगी। इसके साथ ही सीतारमण लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, ये किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी असम, डी ओडिशा। आंसर डी ओडिशा। एक्सप्लेनेशन, ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा कर रही है। उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है जो ब्राह्मी लिपि में खुदी हुई है। शिलालेख जैन नमोकार मंत्र से शुरू होता है और ओडिशा के प्राचीन नाम कलिंग के एक महान राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों को दर्शाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। आंसर सी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के हिस्से के रूप में मित्र वन शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग मित्र वन की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करेंगे। इस पहल में वृक्षारोपण जन अभियान में भाग लेने वाले प्रत्येक जिले में शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालित बाइक लॉन्च की है? ए TVS, बी बजाज, सी रॉयल एनफील्ड, डी हीरो। आंसर बी बजाज। एक्सप्लेनेशन, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की दुनिया की अग्रणी निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च की। बजाज फ्रीडम CNG मोटरसाइकिल सिर्फ 2 किलोग्राम CNG ईंधन पर 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज प्रदान करती है। इसमें 2 लीटर का पेट्रोल टैंक भी होगा जो 130 किलोमीटर की रेंज देगा। बजाज फ्रीडम मोटरसाइकिल पेट्रोल मोटरसाइकिलों की तुलना में 26.7% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करती है। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? ए IOCL, बी HPCL, सी रिलायंस इंडस्ट्री, डी BPCL। आंसर डी BPCL। एक्सप्लेनेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक तक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में समझौता किया है। IOA की अध्यक्ष टी उषा ने इस पार्टनरशिप के लिए BPCL को धन्यवाद दिया है। अगला प्रश्न, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावत का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? ए लासन एंड टुब्रो, बी रिलायंस इंडस्ट्री, सी HAL, डी टाटा ग्रुप। आंसर ए लासन एंड टुब्रो। एक्सप्लेनेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने लासन एंड टुब्रो LMT के साथ मिलकर स्वदेशी हल्के टैंक जोरावत को लॉन्च कर दिया है और जल्द ही इसका व्यापक परीक्षण किया जाएगा। ये टैंक कमिंस इंजन द्वारा संचालित है और DRDO ने घरेलू स्तर पर एक नया इंजन विकसित करने की परियोजना शुरू की है। अगला प्रश्न, जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी LIC, डी विदेश मंत्रालय। आंसर सी LIC। एक्सप्लेनेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने हाल ही में इन नई पहल जीवन समर्थ लॉन्च की है। इसके लिए LIC ने एक वैश्विक परामर्श फर्म के साथ साझेदारी की है जो एंड टू एंड आधार पर इस पहल के लिए सहयोग करेगी। LIC के CEO मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहंती ने इस मौके पर कहा,
जीवन समर्थ योजना के जरिए हम एजेंटों के पूरे नेटवर्क को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ए अमिताभ बच्चन, बी मुकेश अंबानी, सी राहुल गांधी, डी रोशनी नादर मल्होत्रा। आंसर डी रोशनी नादर मल्होत्रा। एक्सप्लेनेशन, HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेविलियर डे ला लेगियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नादर ने कहा कि ये सम्मान पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और यह भारत तथा फ्रांस के बीच रणनीतिक संबंधों को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? ए शरत कमल, बी गगन नारंग, सी पीवी सिंधु, डी ए और सी दोनों। आंसर डी ए और सी दोनों। एक्सप्लेनेशन, दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक होंगे। वहीं ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग ने भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल के सेफ्टी मिशन के रूप में मुक्केबाजी की दिग्गज मैरी कॉम की जगह ली। जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? ए सेंट एंड्रू द एपोस्टल का आदेश, बी अलेक्जेंडर नेवस्की का आदेश, सी सेंट जॉर्ज का आदेश, डी मित्रता का आदेश। आंसर ए सेंट एंड्रू द एपोस्टल का आदेश। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल मिला। ये पुरस्कार 9 जुलाई 2024 को मॉस्को क्रेमलिन के सेंट कैथरीन हॉल में एक समारोह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ए वीवीएस लक्ष्मण, बी गौतम गंभीर, सी वीरेंद्र सहवाग, डी विकी पोंटिंग। आंसर बी गौतम गंभीर। एक्सप्लेनेशन, 9 जुलाई 2024 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वह राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल T20 विश्व कप के बाद समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, ये किस राज्य में स्थित है? ए हरियाणा, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। आंसर सी मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, मध्य प्रदेश सरकार ने बाघों के कथित अवैध शिकार और नव स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य है। अगला प्रश्न, आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? ए भारतीय एयरटेल, बी टाटा ग्रुप, सी रिलायंस ग्रुप, डी अदानी ग्रुप। आंसर डी अदानी ग्रुप। एक्सप्लेनेशन, आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के मुख्य प्रायोजक प्रिंसिपल स्पॉन्सर के रूप में अदानी ग्रुप को चुना गया है। अदानी समूह ने हैशटैग देश का गीत एट ओलंपिक्स बैनर के तहत एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक किया जाएगा। अगला प्रश्न, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। आंसर डी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य हर घर को सौर समाधान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। इस मिशन की शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की गई है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ए लंदन, बी पेरिस, सी वाशिंगटन, डी अंकारा। आंसर सी वाशिंगटन। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में सैन्य गठबंधन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया। इस सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता के रूप में न्यूनतम 40 बिलियन यूरो 43.28 बिलियन डॉलर की धनराशि प्रदान करने पर विचार किया गया। नेटो 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। अगला प्रश्न, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश।
आंसर ए महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य को साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये घोषणा 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम ने की। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 9 जुलाई, बी 10 जुलाई, सी 11 जुलाई, डी 12 जुलाई। आंसर सी 11 जुलाई। एक्सप्लेनेशन, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था और पहली बार 1989 में मनाया गया था। यह विचार 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या के 5 अरब तक पहुंचने से प्रेरित था। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का थीम किसी को पीछे न छोड़े, सभी को गिने, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन है। अगला प्रश्न, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ए अभिनव सिन्हा, बी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, सी गीता गोपीनाथ, डी नृपेंद्र मिश्रा। आंसर बी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। एक्सप्लेनेशन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सौम्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक है और पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुकी है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया? ए अनुराग ठाकुर, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी डीवाई चंद्रचूड़। आंसर डी डीवाई चंद्रचूड़। एक्सप्लेनेशन, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने आज नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य परिसर में एक नए फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसे शीर्ष अदालत के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया है। नया केंद्र न्यायालय में कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए वकीलों को उनके मामलों से संबंधित सभी दस्तावेजों तक केंद्रीकृत पहुंच प्रदान करेगा। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस अवसर पर कहा कि बहुसुविधा केंद्र भारत के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा।